हरदोई में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे दो छात्रों की मौत हो गई। छात्र परीक्षा देकर वापस आ रहे थे। मामला थाना क्षेत्र सुरसा का है। यहां मझिला पुल के पास एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद दोनों बाइक सवार खाई में जा गिरे। सुबह दोनों को ग्रामीणों ने देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जों में लिया। दोनों की पहचान शिवाकांत पुत्र राम रहीम व उपेंद्र 22 मुखराम निवासी भगरार थाना सांडी के रूम में हुई। बताया जाता है कि दोनों बीए द्वितीय वर्ष के छात्र थे और सांडीला से परीक्षा देकर वापस आ रहे थे। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। सेरे भाई थे और बीए सेकेंडर में जो है परीक्षा देने गए थे। वहाँ से वापस घर पर आ रहे थे, रास्ते में जो है एक्सीडेंट हो गया। मौके पर मौत हुई? हाँ, मौके आने पर सड़क हादसे में मौत हुई। सर, क्या है पूरा मामला, क्या उनका नाम है? शिवाकांत और उपेंद्र, ये दो थे जिनको मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। सर, क्या फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसको पंचनामा के लिए बॉडी बंद करवा दी, पुलिस को सूचना। छात्रों की मौत हुई है एक्सीडेंट से, क्या है पूरी घटना? थाना सुरसा के ग्राम मझिला पुल के पास में आज प्रातः 3:30-4 बजे के बीच में एक बाइक पर सवार दो लड़के, जो कि संडीला क्षेत्र से परीक्षा देके आ रहे थे और सांडी क्षेत्र के रहने वाले थे, घर वापस लौट रहे थे, तो उनका जो वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि वो उनकी बाइक सीधे जाकर के पेड़ से टकरा गई। काफ़ी स्पीड में बच्चे आ रहे थे, पल्सर गाड़ी थी, तो जिससे उनकी मौके पर डेथ हो गई है। उनके पीएम की कार्रवाई और जो विधि कार्रवाई है वो प्रचलित है। हरदोई यूपी से यूजी न्यूज के लिए आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।